फ्रेंड्स, मैं हूं सूर्या और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। मैं आज बात करने वाला हूं सलमान खान के बारे में। जी हां, सलमान खान को आखिरकार बेल मिल गई है। मैंने कल ही कहा था आपको कि चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके जो वकील हैं उन्होंने बार बार यही कहा था। मैं दो दिन से उनके बयान सुन रहा था, बहुत सीनियर वकील है, तो मैं उन पर विश्वास कर रहा था कि बेल हो ही जाएगी। दो दलीलें जो थी उन पर वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे वकील। उनका ये कहना था, तो पहली बार जो गवाह है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर नहीं, क्योंकि उन्होंने चार को बरी कर दिया। जैसे तबू थी, सैफ अली खान थे, उनको निर्दोष कहा, मतलब कर दिया कि उन्होंने उसको, उनको नहीं देखा है, लेकिन सलमान खान को ही देखा है। तो गवाह थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था खुद, आई थिंक जो कार्रवाई थी उसमें। और दूसरा कि ये जो गोली चलाई गई है वो सलमान खान की बंदूक से चली है कि नहीं, ये दो चीज़ थी जो थोड़ी सी बहुत डाइसी थी, क्योंकि बाकी जो और तीन केस है ये ब्लैक बॉक्स से जुड़े हुए, यानी कि ये आर्म्स एक्ट या जो भी हो, उन तीन में एक्विट करार दिया गया था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लग रहा था जज को साफ साफ कि इसमें बेल मिल जाएगी। बिल्कुल बेल मिल चुकी है। अब सेशन कोर्ट में इसके खिलाफ जाएंगे, केस आई थिंक करेंगे कि ये सज़ा है जो वो माफ़ी हो जाए। लेकिन हाँ, बेल मिल चुकी है और जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और बहुत बड़ी खुशी का आई थिंक एक मौका ज़रूर होगा सलमान खान के फैंस के लिए। देश और दुनिया भर के जो उनके फैंस हैं सभी चाहते थे कि भाई सलमान खान निकल जाए, और सलमान खान अब जेल से बाहर हो चुके हैं, और बाहर हो जाएंगे शाम तक का आई थिंक एक दो घंटा और थोड़ा जो बेल वाले पेपर्स हैं उन पे वो साइन वगैरह जो भी है होगी, उसके बाद सलमान खान आज़ाद हो जाएंगे। एटलीस्ट बेल मिल जाएगी उनको, और ये फैसला, और मतलब ये जो केस है फिलहाल आई थिंक सेशन कोर्ट में जाएगा कि जमानत, सॉरी, जो फैसला है 5 साल का, उसके उस पर अब लड़ाई होगी। लेकिन फिलहाल बेल मिल चुकी है, यानी कि राहत मिल चुकी है। अब जेल में नहीं बितानी पड़ेगा सलमान खान को एक और दिन, क्योंकि 2 दिन ऑलरेडी उन्होंने बिता दिया है। चलिए फिलहाल के इतना ही, ये खबर के बारे में कितना खुश है जरूर बताइए। चलिए फिलहाल के इतना ही, बाय।